हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज एक हेडलाइन टॉपिक पर बात करने वाला हूं। सहमति से सेक्स संबंध बनाने की जो उम्र है उसको बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि जो सहमति से सेक्स संबंध है, कौन सा सेक्स की जो एक्टिविटी है, यौन संबंध है, वो 16 वर्ष से 18 वर्ष उम्र सीमा को कर दिया गया है। अब इसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले को दायर करते हुए यहां पर मांग की है कि 16 वर्ष से कर दी जाए उम्र सीमा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। तो चीजों को जल्दी जल्दी अच्छे से समझेंगे हम। तो उम्मीद है आप लोग सेशन पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा ऐप आ चुका है जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सो सहमति से सेक्स संबंध के बारे में बात करेंगे। पीपल नॉट अवेयर दैट एज कंसर्न फॉर सेक्स हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 16 to 18 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि जो पीपल हैं वो अवेयर नहीं है इस मामले को लेकर, तो इसीलिए सेक्स की जो उम्र सीमा है वो 16 से 18 वर्ष हम कर रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हमारा और आपका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है। और यहाँ पर पॉक्सो एक्ट भी सामने आया है। कौन सा पॉक्सो एक्ट? अब ये पॉक्सो एक्ट जब सामने आता है ना तो यहाँ से इंपोर्टेंट है। पॉक्सो एक्ट कब शुरुआत की गई थी? निर्भया कांड के बाद 2012 में, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। हालांकि पॉक्सो एक्ट को समझेंगे बहुत अच्छे से, एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है, लेकिन अभी समझते हैं कि मामला क्या है। तो यौन अपराध से पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, कौन सा है, यौन अपराध से पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। क्या कहते हैं, बरी किया था। एक आरोपी था और उसको यौन अपराध से संबंधित था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील को दायर किया था और इस सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच थी। उन 3 जजों के नाम की बात किया है तो जस्टिस संजीव करोल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, तीनों के नाम में एस लगा हुआ है, संजय करोल, संजीव खन्ना, पीवी संजय कुमार। इन तीनों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने बेंच बनाई और उस पर फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया इसके बारे में समझेंगे, पहले हम पॉक्सो एक्ट के बारे में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। जो मध्य प्रदेश सरकार ने अपील दायर की थी उस अपील को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले के संदर्भ में कहा है कि अभी भी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, जो सेक्स की एक्टिविटी है उसके बारे में लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना का कहना। सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। क्या है, 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है सहमति से शारीरिक। अभी आप लोग ये सोच नहीं पा रहे होंगे कि सहमति से शारीरिक संबंध का मतलब क्या है। सहमति से मतलब ये है कि मेल और फीमेल अगर दोनों सहमत हैं और वो सेक्स एक्टिविटी में संलिप्त होते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर उनकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है तब, ध्यान रखना है। सहमति से है वो, क्योंकि इसमें लड़की और लड़के की दोनों की क्या है, रजामंदी है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पॉक्सो एक्ट क्या है, तो पॉक्सो एक्ट को समझेंगे। तो पॉक्सो एक्ट का जो पूरा नाम है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस का पॉस्को का नाम है। पॉस्को एक्ट में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, कुछ इसको समझेंगे, लेकिन इसका मंत्रालय किस कौन सा लगता है, तो इस एक्ट की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत। कौन से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत इसकी शुरुआत बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 2012 में बनाया गया था निर्भया कांड के बाद, आपको पता ही है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे जो गंभीर अपराध हैं, पॉक्सो एक्ट के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना। कौन कौन से हैं इसको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी, जो मूवी वगैरह है अगर कोई दिखाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन सभी चीजों के खिलाफ में महिला विकास मंत्रालय के तहत बनाया गया जो पॉक्सो एक्ट है इसमें सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके तहत नाबालिग जो बच्ची होती है उनके साथ होने वाले जो यौन अपराध होते हैं, उनके छेड़छाड़ होते हैं, तो कार्रवाई की जा सकती है। और इसमें अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा का भी प्रावधान है, ये भी ध्यान रखना है कि पॉक्सो एक्ट में एक ही सजा नहीं है। जो अपराध होंगे उस अपराध की पृष्ठभूमि क्या है उसको देखते हुए उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो एक्ट से बचना नामुमकिन है,
ये भी ध्यान रखेगा, बचना इससे नामुमकिन है, लेकिन एक तरीके से बचा जा सकता है उसको समझेंगे। पहले समझते हैं पॉक्सो एक्ट के तहत सभी अपराधों के लिए सुनवाई जो होती है वो एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से होती है और कैमरे के सामने होती है, लेकिन बच्चे के माता पिता जो होते हैं ना उन पर भरोसा होता है, वो सामने बैठे होते हैं और उनकी मौजूदगी में ही स्पेशल कोर्ट की जो कार्रवाई है वो सुनवाई होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्पेशल कोर्ट में स्पेशल कोर्ट लगता है, उसमें जो आरोपी है पीड़ित है उसको लिया जाता है, उसके माता पिता को लाया जाता है और कैमरा लगा होता है और यहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं जो उसकी सुनवाई कर रहे होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि जो बच्ची पीड़ित है, जो बच्चा पीड़ित है उसको सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा वो अपने माता पिता पर होगा, तो इसीलिए माता पिता के सामने, क्योंकि वो मानसिक तौर पर टूटे हुए होते हैं तो इसलिए वो माता पिता के सामने होता है और एक कैमरे की सुनवाई में होता है, वो एक पूरा एक सिक्योर रहता है। बच्चियों के साथ दरिंदगी को रोकने के लिए इस एक्ट को 18 जुलाई 2019 में एक बदलाव किया गया था कि 16 साल तक की बच्ची से रेप के दोषी को उम्र कैद या फिर मौत की सजा होगी। क्या कहा गया था, 18 जुलाई 2019 को कहा गया था कि बच्ची से अगर कोई रेप होता है तो उस बाद के बाद जिनकी उम्र अगर 16 साल या उससे कम है तो उसे उम्र कैद होगी या फिर मृत्यु दंड होगा। ध्यान रखिएगा क्या होगी, मौत की सजा होगी। तो इस और इस एक्ट के तहत बचना नामुमकिन है। इस एक्ट के तहत पुलिस की जवाबदेही है कि पीड़ित का मामला 24 घंटे के भीतर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लाना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस को सिर्फ ओनली और ओनली 24 घंटे में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने इस मामले को लाना जा होगा, जिससे कि पीड़ित की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। ठीक है, और क्या कहा गया है कि पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। क्या कहा गया, पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर साबित होता है कि पीड़िता की उम्र 18 से ज्यादा है तब इस धारा को हटाया जा सकता है, अन्यथा इस धारा को किसी भी सूरत में नहीं हटाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अगर बच्ची की उम्र 18 साल से ज्यादा है, कितना 18 साल से अगर ज्यादा है तब इस धारा को पॉक्सो एक्ट को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है किसी भी सूरत में। तो ध्यान रखना ये पॉक्सो एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मंत्रालय के तहत महिला विकास मंत्रालय के तहत 2012 में इसमें सेक्सुअल हरासमेंट असॉल्ट और पोर्नोग्राफी संबंधित सुरक्षा प्रदान की जाती है। पूरा मामला स्पेशल कोर्ट के माध्यम से कैमरे की निगरानी में चलता है और उसमें माता पिता सामने होते हैं जिन पर बच्चों को भरोसा होता है। पॉक्सो एक्ट से सहमति की उम्र अधिक क्यों, अब यहां पर दो चीजें सामने है। आपको पता है कि पॉक्सो एक्ट में क्या कहता है, पॉक्सो एक्ट कहता है कि उम्र होनी चाहिए 16 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 16 वर्ष होनी चाहिए, तो पॉक्सो एक्ट लग जाएगा। लेकिन जो सहमति की उम्र है, कौन सी, जो सहमति की उम्र है वो कहता है कोर्ट की 18 वर्ष सहमति की उम्र होनी चाहिए, वो सहमति से अपना सेक्सुअल में एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जघन्य अपराधों में अपराधियों को सजा मिल सके इसके लिए उम्र अधिक है, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके इसके लिए पॉक्सो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि आंकड़े बताते हैं कि प्रति मिनट रेप होते हैं, प्रति मिनट रेप्स होते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है पॉक्सो एक्ट, जिससे कि लोगों में डर रहे और उसके प्रति ना जाए सेक्स एक्टिविटी में। कानून के दुरुपयोग को रोका कैसे जाए, तो दिल्ली में निर्भया कांड 2012 में हुआ था, आपको पता है कि चलती बस में और दरिंदगी से रेप किया गया था निर्भया के, और उसी के बाद पॉक्सो एक्ट को शारीरिक संबंध सहमति से बनाने की उम्र 16 से 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले 16 वर्ष ही थी, लेकिन 2012 के बाद जब निर्भया का कांड हुआ दिल्ली में तब उसके बाद 16 से 18 वर्ष कर दी गई थी। एक चलती बस में हुआ था, जो पुरानी फोटो है जो मैंने लगाई हुई है, तो इसी बस में किया गया था कांड। हालांकि बहुत दर्दनाक था, पूरा भारत उससे दिल दहला गया था, एक तरीके से कह सकते हो, है ना, एक दर्दनाक घटना थी। वर्तमान में पॉक्सो एक्ट पर न्यायालय क्या कहता है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, दिसंबर 2022 में पॉक्सो एक्ट के सुधार के लिए इन्होंने टिप्पणी की हुई है। अब सोचिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश निकली हुई पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सहमति की जो वर्तमान उम्र है, ऐसे मामलों को संभालने वाले न्यायाधीशों के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यौन संबंधों के लिए सहमति की जो उम्र है उसको घटाकर 16 वर्ष करने का आग्रह किया हुआ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि यौन संबंध बनते हैं उन यौन संबंधों पर जो सहमति की उम्र 18 वर्ष कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 16 वर्ष करने का आग्रह किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 18 वर्ष भी रखा हुआ। हाईकोर्ट के अनुसार सहमति से शारीरिक संबंध बनाने
संबंधों में शामिल जो किशोर लड़के हैं उनके साथ होने वाले अन्याय को रोका जा सके। सहमति से सारे संबंध बनाने वाले जो किशोर लड़के हैं उनके साथ जो अपराध भी हो जाते हैं, अन्याय हो जाता है कभी कभी, उन अपराधों और उन अन्याय को रोका जा सके। इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि इसकी उम्र को 18 से 16 वर्ष कर दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस उम्र को हम इसको 18 वर्ष बरकरार रखेंगे। तो यहां पर मैंने जो बात की है सहमति संबंध के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि यहां पर बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। तो यहां पर अगर अब एग्जाम में आता है कि सहमति से संबंध बनाने के लिए कितनी उम्र हो चुकी है, अगर एग्जाम में आ जाए 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, तो आप यहां थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ध्यान रखना है 18 वर्ष पर टिका आपको लगाना है, 16 से 18 वर्ष हो चुकी है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था जो मैंने आपके सामने लाया हूं। उम्मीद है सारा सेशन आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।